तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। जरा आपका स्वागत है हमारे रेगे स्टूडियो यूट्यूब चैनल के कोने अमेजिंग वीडियो पे। सो गाइस, आज के वीडियो में बोलने वाले बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि यार इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वुड पिकर एसकेएस एनएसबीटी का हेडशॉट ट्रिक के बारे में। तो यार प्रीवियस वीडियो पे मैंने आपको सेटअप ग्लू वॉल कैसे लगाया जाता है थ्री फिंगर टू फिंगर में वो बताया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर से जाकर देख लेना। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे अमेजिंग फ्री फायर के टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो लाते रहते इस चैनल पर। तो यार चलिए आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें वुड पिकर एसकेएस एंड ड्रैगन ऑफ की, तो यार अगर आपका एनिमी लॉन्ग रेंज पे है एंड देन आप उसे हेडशॉट मारना चाहते हो तो आपको सिंपली से फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आपका एनिमी बहुत ही शॉर्ट रेंज पे है, बहुत ही क्लोज रेंज पे, और अगर आप हेडशॉट मारना चाहते हो उसे, तो आपको सिंपली से अपने फायर बटन को रोटेशन ड्रैग करके ड्रैग करना पड़ेगा, तभी एनिमी को हेडशॉट लगेगा। तो लॉन्ग रेंज के अंदर इन सारे के सारे गन्स की बात करें तो आपको अपना एम एनिमी के बॉडी के चेस्ट के ऊपर रखना पड़ेगा, तब यार आप जब सीधा ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो एनिमी को लग जाएगा हेडशॉट। वहीं पर अगर इन सारे के सारे गन्स की अगर शॉर्ट रेंज के अंदर बात करें तो आपको अपना एम वाइड रख के एनिमी के बॉडी के थोड़ा सा साइड में रखना है एंड देन रोटेशन रख कर ट्राई करना है। तो भाई यार इन सारे के सारे गन्स पे अगर आप हेडशॉट मारना चाहते हो तो आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर एनिमी आपके पास होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा ड्रैग करना पड़ेगा, और वहीं पर अगर एनिमी बहुत ही ज़्यादा दूर होगा तो आपको थोड़ा सा ही ड्रैग करना है, तभी एनिमी को हेडशॉट लगेगा। तो भाई यार बिना प्रैक्टिस के तो आप हेडशॉट मारना सीख नहीं सकते, इसलिए क्या करना है आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ जाना है। इस वाले एडम वाले पुतले के आसपास आकर आपको क्या करना है, कभी लॉन्ग रेंज के अंदर कभी शॉर्ट रेंज के अंदर आकर इसको हेडशॉट मारने का ट्राई करना है। इससे आपको एक मसल मेमोरी मिलेगा जिससे कि आपका उंगली ऑटोमेटिकली ड्रैग कर देगा अपने एनिमी के पोजिशन के हिसाब से एंड हर एक शॉट आपका हेडशॉट ही लगेगा। और एक और बात की यार भाई, मैंने बहुत सारे बंदे को देखा है कि वो एसकेएस और वुड पिकर इन सारे गन्स पे क्या करते हैं, बहुत सारा गोली एक ही साथ फायर करने लग जाते हैं। तो आपको इस तरह से नहीं करना, अगर आपको एनिमी को हेडशॉट मारना है तो आपको एक टाइम पे एक ही गोली फायर करना है, तभी हेडशॉट लगने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा एक्यूरेसी उस टाइम पे बहुत ही अच्छा खासा होता है। तो होप कर दो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे अमेजिंग फ्री फायर के टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो लाते रहते इस चैनल पर। और यार अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और भाई अगर आप थ्री फिंगर कस्टम वुड पे स्विच होना चाहते हो तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो, और अगर आप रोटेशन रैक को अच्छे से सीखना चाहते हो तो राइट वाले वीडियो पर जरूर से क्लिक करना।